तो इसके बाद हम देखेंगे एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन। मैनी ऑफ द अचीवमेंट्स ऑफ द चोल वेयर मेड पॉसिबल थ्रू न्यू डेवलपमेंट्स इन एग्रीकल्चर। लुक एट मैप टू अगेन, नोटिस दैट द रिवर कावेरी ब्रांचेस ऑफ इनटू सेवरल स्मॉल चैनल्स बिफोर एम्प्टिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल। These channels overflow frequently, depositing fertile soil on their banks, water from the channels, and also provide the necessary moisture for agriculture, particularly the cultivation of rice. तो इसका मतलब यहाँ पर बताया है कि ज़्यादातर जो अचीवमेंट हुआ चोल वंश में, यानी चोल वंश में जो भी मैनी ऑफ द अचीवमेंट ये जो भी हुआ क्योंकि वो पॉसिबल हुआ, यहाँ पर बताया मेड पॉसिबल क्योंकि एग्रीकल्चर में वो न्यू डेवलपमेंट्स आए थे। यहाँ पर बताया न्यू डेवलपमेंट्स इन एग्रीकल्चर, तो न्यू डेवलपमेंट भी एग्रीकल्चर में हुए। और वो यहाँ पर बताया है कि आप मैप टू में देखिए तो उसमें देखने को मिलेगा कि कावेरी रिवर है। यहाँ हमें आगे चैप्टर में बताया है मैप टू उसमें क्या, नोटिस दैट द रिवर कावेरी, तो ये देखना है हमें आगे के मैप टू में, ये देखना है मिलेगा आपको कावेरी रिवर जो है उसमें बहुत सारी ब्रांचेस और उसके स्मॉल चैनल्स, ब्रांचेस और स्मॉल चैनल्स के रूप में निकलते हैं और वो क्या है बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल में जाते हैं और ये चैनल फ्रिक्वेंटली ओवरफ्लो करते हैं। क्या करते हैं, फ्रिक्वेंटली ओवरफ्लो करते हैं और वो बहुत ही फर्टाइल सॉइल करते हैं। यहाँ पर ये भी बताया है फर्टाइल सॉइल, वो क्या करते हैं बहुत फर्टाइल सॉइल करते हैं और अपने बैंक्स पर यानी कि किनारों पर ही ऑफ देयर बैंक्स यानी उसके किनारों पर उस और उसके पानी में चैनल से बहते हैं और वो एक तरीके से मॉइस्चर प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर बताया चैनल इज ऑल्सो प्रोवाइड्स मॉइस्चर, नेसेसरी मॉइस्चर प्रोवाइड्स करते हैं और इसकी वजह से एग्रीकल्चर करना इजी हो जाता है। तो और ये जो राइस का कल्टीवेशन है वो बहुत ही, ये मतलब बताया है कल्टीवेशन ऑफ राइस, तो राइस का जो भी कल्टीवेशन है वो बहुत ही अच्छी तरह से हो पाती है। तो उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ, ऑल दो एग्रीकल्चर हैड डेवलप अर्लियर इन अदर पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु, इट वॉज ओनली फ्रॉम द 5th or 6th century दैट दिस एरिया वॉज ओपन अप फॉर लार्ज स्केल कल्टिवेशन। फॉरेस्ट हैड टू बी क्लियर इन सम रीजन, लैंड हैड टू बी लेवल इन अदर एरियाज, इन द डेल्टा रीजन एम्बैंकमेंट्स हैड टू बी बिल्ट टू प्रिवेंट फ्लोडिंग एंड चैनल्स कैनल had to be constructed to carry water to the fields. In many areas, 2 crops were grown in a year. तो यहाँ पर उसका मीनिंग बताया है कि ये जो तमिलनाडु के दूसरे इलाकों में जो एग्रीकल्चर था, ये एग्रीकल्चर है डेवलप अर्लियर, दूसरे एरिया तमिलनाडु के जो भी दूसरे एरिया थे उसमें एग्रीकल्चर था वो डेवलप हो चुका था, पहले से ही डेवलप हो चुका था। और ये जो चोल वंश का प्रभाव था पहले से, जो भी मतलब कि चोल वंश ये बताया 5th or 6th century में, तो ये चोल वंश का प्रभाव जहाँ पर था उस रीजन की बात करें तो उसमें 5th or 6th century में लार्ज स्केल में कल्टीवेशन की शुरुआत की, यानी बड़े स्केल यानी बड़े प्रमाण में कल्टीवेशन की शुरुआत की गई और जो फॉरेस्ट थे उनको क्लियर किया गया था। यहाँ पर जो भी वहाँ लार्ज स्केल कल्टीवेशन में जो भी फॉरेस्ट थे उनको भी क्लियर किया गया सम रीजन में, और इसके अलावा लैंड को भी क्लियर किया गया था। ये जो भी कल्टीवेशन को क्लियर किया गया था उसके अलावा सारी जो लैंड थी उसको भी क्लियर की गई थी और उसको पाने के लिए ये डेल्टा रीजन में एम्बैंक मार्क्स बनाया था, तो क्योंकि पानी को रोक सके इसके लिए, उसके साथ ही उसकी वजह से पानी को रोक सकते और वाटर को क्या करते हैं फ्लूडिंग होने से रोक सकते हैं। और कैनल्स हैड टू बी कंस्ट्रक्टेड टू कैरी वाटर टू द
फील्ड्स यानी उसके साथ कैनल्स को भी बनाए गए थे क्योंकि वाटर के फील्ड तक पहुंचा सके, वाटर ये था वो फील्ड तक पहुंचा सके उस, इसीलिए उसको मतलब कैनल्स को भी बनाए थे। और इसके अलावा बहुत एरियाज ऐसे भी थे, इन मैनी एरियाज टू क्रॉप्स वेयर ग्रोन इन ईयर, यानी बहुत एरिया ऐसे थे जहाँ पर एक साथ टू क्रॉप्स ग्रोन कर सकते, यानी एक साल में वन ईयर में दो बार हम अनाज पका सकते, यानी टू क्रॉप्स वेयर ग्रोन, यानी दो बार वन ईयर में हम कुछ भी क्रॉप्स ग्रोन कर सकते हैं। तो इसके बाद इन मेनी केसेस इट वॉज नेसेसरी टू वाटर क्रॉप्स आर्टिफिशियली, अ वेराइटी ऑफ मेथड्स वेर यूज फॉर इरीगेशन, इन सम एरियाज वेल्स वेर डग, इन अदर प्लेसेस ह्यूज टैंक्स वेर कंस्ट्रक्टेड टू कलेक्ट रेन वाटर। रिमेंबर दैट इरीगेशन वर्क्स रिक्वायर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग लेबर एंड रिसोर्सिस, मेंटेनिंग दिस वर्क्स एंड डिसाइडिंग ऑन हाउ वाटर इज टू बी शेड। Most of the new rulers as well as people living in villages took an active interest in these activities. तो यहाँ पर बताया है कि many cases ऐसे होते हैं जहाँ पर ऐसे land थी, यहाँ पर बताया necessary to work crops artificially, यानी many cases में ऐसे भी होते हैं जहाँ पर जो land थी जहाँ पर water आर्टिफिशियली पहुंचाना ज़रूरी था, यानी सब जगह पे पानी पहुंचाना आर्टिफिशियली यानी ज़रूरी था। और बहुत सारी जगह ऐसी थी जहां पर कुएं खोदे गए थे, अमूक जगह पर पानी नहीं मिलता है तो कुएं भी खोदे जाते थे, यानी वेल्स वेल डग यानी खोदना, कुएं भी खोदे गए थे। और दूसरी जगह पर वाटर कलेक्ट करने के लिए टैंक्स भी बनाए गए, वाटर को जब हमें कलेक्ट करना है कुछ ग्रो क्रॉप्स करना है तो उनके लिए हमें कुआं भी खोदना पड़ता है, और दूसरे मतलब पानी को कलेक्ट करने के लिए रेन वाटर यानी बारिश के जो भी पानी होते थे उनको कलेक्ट करने के लिए टैंक्स भी बनाए गए थे। और ये वाटर कलेक्ट करने के लिए काम करना पड़ता है, उसमें बहुत ही प्लानिंग भी करनी पड़ती है, यानी जो भी हम वाटर कलेक्ट करते हैं उसके लिए बहुत सारा काम भी करना पड़ता है, उसके लिए रिक्वायर प्लानिंग, हमें बहुत सारे प्लानिंग भी करने पड़ते हैं और ऑर्गेनाइज भी करना पड़ता है लोगों को काम पर भी हमें लगाना पड़ता है, और वो भी डिसाइड करना पड़ता है कि वाटर किन लोगों को कितना दिया जाएगा, वो भी हमें पहले फिक्स करना पड़ता है कि किन लोगों को कौन से एरिया में किन लोगों को कितना कितना पानी सबको दिया जाए। और तो ये रूल्स थे, वो ऐसा नहीं था कि सिर्फ राजा ही करे, ये सारे रूल्स हमने आगे देखे, वो ऐसा नहीं था कि सिर्फ राजा यानी किंग ही करे, वो इसमें जो विलेजेस में रहते थे वो भी पार्टिसिपेट कर सकते थे। यहाँ पर बताया लिविंग इन पीपल्स यानी जो भी पीपल्स विलेजेस में रहते थे वो भी ये सब पार्टिसिपेट कर सकते थे। तो उसके बाद हम देखेंगे द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर, यानी एम्पायर में कौन सा एडमिनिस्ट्रेशन हो सकता है उसके बारे में देखेंगे। हाउ वॉज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइज, यानी यहाँ पर बताया कि कौन मतलब हाउ वॉज द एडमिनिस्ट्रेशन यानी कैसे एडमिनिस्ट्रेशन को ऑर्गेनाइज किया जाए, ये सब बात यहाँ पर बताइए। सेटलमेंट्स टू पेशेंट्स नॉन एज और बिकम पर्पस विद द स्प्रेड ऑफ इरीगेशन एग्रीकल्चर, ग्रुप्स ऑफ सब विलेजेस फ्रॉम लार्जर यूनिट्स कॉल नाडू, द विलेजेस विलेज काउंसिल एंड द नाडू परफॉर्म सेवरल एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस इंक्लूडिंग डिस्पेंसिंग जस्टिस एंड कलेक्टिंग टैक्सेस। तो यहाँ पर बताया कि किस तरीके से हम एडमिनिस्ट्रेशन को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। सेटलमेंट्स ऑफ पेशेंट्स यानी जो खेड़ था उसका नाम, उन सबको कहते हैं नॉन एज ऊर, उनको ऊर नाम से भी बुलाया जाता है। बिकम पर्पसेस विद अवर स्प्रेड ऑफ इरीगेशन एग्रीकल्चर यानी एग्रीकल्चर का जो भी इरीगेशन था उनको बिकम पर्पस ऑफ विद द स्प्रेड यानी स्प्रेड के साथ भी बिकम उसके पर्पस इसको इरीगेशन कर सकते हैं। ग्रुप्स ऑफ सच विलेजेस यानी जो भी विलेजेस का ग्रुप था फॉर्म
लार्ज यूनिट कॉल्ड लाडू, यानी जो भी विलेजेस का पूरा ग्रुप था उसको हम क्या कह सकते थे, लार्ज यूनिट्स यानी कॉल्ड, उसको लाडू भी हम कह सकते हैं। द विलेज काउंसिल एंड द नाडू परफॉर्म सेवरल एडमिनिस्ट्रेटिव, यानी ये जो नाडू था, विलेज काउंसिल एंड नाडू, ये दोनों को परफॉर्म कौन करता था, सेवरल एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस इंक्लूडिंग डिस्पेंसिंग जस्टिस एंड कलेक्टिंग टैक्स, यानी जो भी डिस्पेंडिंग जस्टिस था और कलेक्टिंग टैक्सेस था, ये दोनों को इंक्लूडिंग कैसे किया जाता था, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन में जो भी परफॉर्म सेवरल नाडू और ये काउंसिल का जो भी सेवरल परफॉर्म किया जाता था वो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन में डिस्पेंडिंग जस्टिस और कलेक्टिंग टैक्सेस के साथ किया जाता था। तो यहाँ पर बताया रिच पेशेंट्स ऑफ अ वेलाल कास्ट एक्सरसाइज कंसिडरेबल कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द नाडू अंडर द सुपरविजन ऑफ द सेंट्रल चोल गवर्नमेंट एंड द चोल किंग्स गेव सम रिच लैंडोवर्स टाइटल्स लाइक, यहाँ पर बताया है कि ये जो मूवेंट वेलन और वेलन और पेशन सर्विंग थ्री किंग्स एरियर चीफ एक्सेट्रा एज मार्क ऑफ रिस्पेक्ट and entrusted them with important offices of the state of at that center। तो यहाँ पर बताया कि जो रिच पेशेंट्स, जो भी गरीब पेशेंट्स यानी खेडू ऑफ द विलेज सिकेस्ट एक्सरसाइज कंसिडरेबल कंट्रोल ऑफ अफेयर ऑफ द नाडू अंडर, यानी जो भी गरीब खेडू मतलब जो भी काम करते थे वहाँ पर, वो एक्सरसाइज कंसिडरेबल कंट्रोल, उन सब पर कंट्रोल कौन करता था, तो नाडू अंडर, नाडू के अंडर में वो सब सुपरविजन ऑफ द सेंट्रल चोल गवर्नमेंट, यानी सेंट्रल चोल गवर्नमेंट का जो भी सुपरविजन था नाडू, उसके अंडर में ये सब काम करते थे। तो द चोल किंग्स गेव सम रिच लैंड ऑन यर्स टाइटल लाइक, उसको ये चोल किंग का उसको नाम भी उसका टाइटल बनाया गया मूवेन द वेलन, यानी अ वेलन ऑफ बेसन सर्विंग थ्री किंग्स, यानी तीन राजाओं के बदले में, अरैयर चीफ एक्सेट्रा, उसका नाम भी है अरैयर चीफ एक्सेट्रा, एज मार्क्स ऑफ रिस्पेक्ट, उनके मार्कर्स के रिस्पेक्ट भी की जाती थी, एंड इंटरेस्टेड देम विद इम्पोर्टेंट ऑफिस एंड स्टेट ऑफ सेंटर, यानी स्टेट ऑफ सेंटर और ऑफिस जो भी स्टेट इम्पोर्टेंट थे उनके पर इंटरेस्टेड भी किया जाता था। तो उसके बाद हम देखेंगे वी हैव सीन द ब्राह्मण्स ऑफन रिसीव लैंड ग्रांट्स ब्राह्मण्या, एज अ रिजल्ट अ लार्ज नंबर ऑफ ब्राह्मण सेटलमेंट इमर्ज इन द कावेरी विलय एंड द अदर पार्ट्स ऑफ साउथ इंडिया। तो यहाँ पर बताया कि वी हैव सीन, आप देख सकते हैं कि ब्राह्मण्स ऑफन रिसीव लैंड ग्रांट्स, यानी जो भी जमीन ग्रांट्स ऑफ और ब्राह्मण्या, तो ये सब ये दोनों जो थे ग्रांट्स, लैंड ग्रांट्स और ब्राह्मण्या, वो सब ब्राह्मण्स ऑफन रिसीव उनके पास से रिसीव किया जाता था। एज अ रिजल्ट, तो उनका रिजल्ट भी आता था लार्ज नंबर ऑफ ब्राह्मण सेटलमेंट इमर्ज, यानी बहुत सारे नंबर्स में ब्राह्मण के सेटलमेंट्स भी किए जाते थे इमर्ज इन द कावेरी विलय, कावेरी जो विलय था उस पर सेटलमेंट किया जाता था, और इन अदर पार्ट्स ऑफ साउथ इंडिया, और साउथ इंडिया के अदर पार्ट्स में भी। ईच ब्राह्मण्या वॉज लुक्ड आफ्टर बाई एस असेंबली और सभा प्रोमिनेंट ब्राह्मणा लैंड होल्डर्स, दिस असेंबलीज वर्क वेरी एफिशियंटली, देयर डिसीजन्स वेर डेकोर्ड इन डिटेल इन इंस्क्रिप्शन ऑफन ऑन द स्टोन वॉल ऑफ टेम्पल्स, एसोसिएशंस ऑफ ट्रेडर्स नोन एज निगरम्स ऑल्सो ओकेजनली परफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन इन टाउन्स। तो यहाँ पर बताया ये सारे ब्राह्मण, इज ब्राह्मण वॉज लुक्ड आफ्टर बाय असेंबली और सभा, असेंबली और जो सभा होती थी उसमें प्रोमिनेंट ब्राह्मण लैंड होल्डर्स जो होते थे, प्रोमिनेंट ब्राह्मण लैंड होल्डर्स, दिस असेंबल्स वर्क वेरी एफिशिएंसी, उसका वर्क भी बहुत ही एफिशिएंटली था, देयर डिसीजंस वेर रिकॉर्डेड इन डिटेल, उनकी जो भी डिसीजंस लिया जाता था वो
वेरी डिटेल इन इंस्क्रिप्शन रिकॉर्ड किया जाता था और ऑफन ऑन द स्टोन वॉल टेम्पल, यानी जो टेम्पल की जो भी दीवार थी वो पत्थर की बनाई गई थी। एसोसिएशंस ऑफ ट्रेडर्स नोन एज नेग्रम्स ऑल्सो ऑफिशियली परफॉर्म, यानी ट्रेडर्स जो भी नॉन एज परफॉर्म करता था वो ऑफिशियली परफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन इन टाउन्स, यानी जो भी टाउन्स बनाए थे वो एडमिनिस्ट्रेटिव पर परफॉर्म करते थे। और यहाँ पर बताया इंस्क्रिप्शन फ्रॉम उत्तर मेरूर इन चिंगलपुर डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु प्रोवाइड डिटेल ऑफ द वे इन विच ऑफ सभा वॉज ऑर्गेनाइज। द सभा एड सेपरेट कमिटीज टू लुक आफ्टर इरीगेशन वर्क्स, गार्डन्स, टेम्पल्स एक्सेट्रा। नेम ऑफ दस इलिजिबल टू बी मेम्बर्स ऑफ दिस कमिटीज वेर रिटर्न ऑन स्मॉल टिकट्स ऑफ पाम लीफ। दिस टिकट्स वेर पुट इन टू एन अर्थनवेयर पोर्ट फ्रॉम विच अ यंग बॉय वॉज आस्क टू टेक आउट द टिकट्स वन बाय वन फॉर ईच कमिटी। तो यहाँ पर बताया कि इंस्क्रिप्शन फ्रॉम उत्तर मेरूर इन चेंगलपुर डिस्ट्रिक्ट, यानी जो डिस्ट्रिक्ट था चेंगलपुर उसमें उसके अंदर उत्तर मेरूर फ्रॉम इंस्क्रिप्शन वो कहाँ थी तमिलनाडु में। प्रोवाइड किया था डिटेल्स ऑफ द वे इन विच द सभा वॉज ऑर्गेनाइज, यानी जो सभा ऑर्गेनाइज की गई थी उसमें वो ये सब डिटेल प्रोवाइड की गई थी। तो द सभा हैड सेपरेट कमिटीज, यानी जो भी सेपरेट कमिटीज़ की सभा थी टू लुक आफ्टर इरीगेशन वर्क, यानी उनके जो भी आफ्टर इरीगेशन वर्क था उसके पर गार्डन्स टेम्पल्स एक्सेट्रा ये सब पर लुक आफ्टर, यानी उसके बाद आफ्टर लुक भी किया गया था। नेम ऑफ दिस एलिगेबल टू बी मेम्बर्स ऑफ दिस कमिटीज, और सारे मेंबर्स को कमिटीज़ में एलिजिबल किया गया था। वेर रिटर्न ऑन स्मॉल टिकट्स ऑफ द पाम लीफ, यानी पाम लीफ के जो पाम थे उसके ऊपर स्मॉल टिकट्स भी किया गया था। दिस टिकट्स वेर पुट, वो कहाँ पर रखते थे, इनटू एन अर्थनवेयर पोर्ट, एक जो पोर्ट होता था उसमें रखते थे। फ्रॉम विच अ यंग बॉय वॉज आस्क, जो ये यंग बॉय था उसने भी बताया कि टेक आउट द टिकट्स वन बाय वन ईच कमिटी, यानी ये टेकआउट आप सब टिकट टेकआउट करो और वन बाय वन ईच कमिटी पर रखो, ऐसे या ये चैप्टर में बताया गया है।